दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, चूंकि ट्रेनों की ट्रेनें बहुत लंबी दूरियां तय करती हैं, तो अक्सर उनकी चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। जैसे मैंने कहा चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, तो अगर दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में, तो चाल निकलेगी किसमें, किलोमीटर प्रति। कई बार हर सेकंड गणना होती है, सपोज करो दूरी मीटर में और समय क्या है सेकंड में, तो चाल बनती है मीटर प्रति सेकंड इसमें। तो ज्यादातर या तो किलोमीटर प्रति घंटे में और या तो चाल मीटर पर सेकंड में होती है। तो अगर आपसे कुछ ऐसा दे दिया जाए कि चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, क्या है? तो हो सकता है कि कोई दो गाड़ियां हो, एक कोई गाड़ी हो, ट्रेन हो, किसी आदमी को या मोटरसाइकिल को पार करे, तो हो सकता है कि एक चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो और दूसरी कहाँ हो, मीटर प्रति। तो फिर हमें चालें जो है एक ही हिसाब से रखनी पड़ती है। उसके लिए छोटी सी बात है कि आप किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? पहले तो आप बेसिक देखें कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का मतलब क्या होता है। अगर चाल की बेसिक डिफिनेशन की बात करें तो कहते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या होती है, एकांक समय, यहाँ समय घंटे में, यानी एक घंटा क्या। तो इस चाल का बेसिक मतलब है कि एक घंटे में गाड़ी कितना जाती है, कितना जाती है। अब एक घंटे में होते 60 मिनट, कितने मिनट होते, और एक किलोमीटर में होते 1000 मीटर, तो 90 में 1000 का गुणा कर दे तो 90000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी गाड़ी 60 मिनट में कितना जाती है, 90000 मीटर। अगेन एक मिनट में होते 60 सेकेंड, कितने, एक मिनट में होते 60 सेकेंड, तो इसका मतलब है 60 × 60 कितने सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड में मैं इधर 90 में अभी 1000 का गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये रहा मीटर, 1000 का गुणा कर दिया, चूंकि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इसमें 3600 का गुणा कर दिया, चूंकि एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, यानी एक घंटे में 60 × 60 कितने, यानी 3600 सेकंड में गाड़ी जाती है 90 × 1000। तो बेटा एक सेकंड में कितना जाएगी, तो ध्यान दें 90 × 1000 में हम 3600 का क्या लगा देते हैं। अब ध्यान दें इस 1000/3600 को हम छोटा कर लें तो यह आ जाता है 5/18। अब 90 में 5 × 18 गुणा कर दे, 18 × 5 90, 5 × 5 अब चाल बदल गई 25 मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान दें कि इसी चीज को बार बार ऐसा क्यों करेंगे, हम देखेंगे कि कोई भी चाल हो अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है किसमें, तो हमें किलोमीटर को किसमें बदलना पड़ेगा, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम किसका गुणा करेंगे, और घंटे को मिनट में नहीं सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 60 × 60 किसका गुणा करेंगे। तो अपने आप किलोमीटर किसमें बदल जाएगा और घंटा किसमें बदल जाएगा, छोटा कर लें तो देखो ये क्या आ जाता है 5/18। कहने का मतलब अब एक फार्मूला टाइप का मिल जाता है क्या, कि किलोमीटर प्रति घंटे में हम 5/18 का गुणा कर दें तो भाई मामला किसमें बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। या इसका उल्टा देखें, 5/18 घोड़ा में है, अगर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18/5। इसका मतलब ये हो गया कि मीटर प्रति सेकेंड में 18/5 का गुणा कर देंगे तो मामला किलोमीटर प्रति घंटे में। जैसे चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलो तो 5/18 का गुणा कर देंगे कितना जाएगा। अब चाल है 25 मीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो हम इसमें 18/5 का गुणा कर देंगे कितना जाएगा, वापस कितना जाएगा। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सवाल है कभी किलोमीटर को मीटर में, कभी मीटर को किलोमीटर में, तो सवाल हल करते समय कंफ्यूजन होता है 5/18 या 18/5, ऐसा कंफ्यूजन होता है क्यों, बार बार कई बार गलत भी हो जाता है। तो ऐसा ध्यान रखें किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर क्या होता है। आइए देखें यहाँ पे एक भिन्न है 5/18 और एक भिन्न है, तो इस में भिन्नों में मान किसका ज्यादा है, 5/18 का कि 18/18। तो डेफिनेटली जिस
जिसका अंश बड़ा होगा उसका मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आइए देखें, जब किलोमीटर को हम मीटर में बदल रहे हैं, किसमें बदल रहे हैं? एक बड़ी चीज को कहां बना रहे हैं? छोटी चीज में। तो हमें छोटी बात का गुणा करना पड़ेगा 5/11 का, और यहाँ मीटर को हम किसमें बता रहे हैं? बड़ी चीज में, किलोमीटर में। तो हमें ज्यादा का गुणा करना पड़ेगा किसका? 18/10। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलना है, छोटे में बदलना है, तो 5/18, और इधर मीटर को किस में बदलना है? किलोमीटर में, तो ये बड़ा है 18/5। तो ऐसा भी हम सीख, तो ये दोनों ही बातें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो इसका भी हम नोट लिख लेंगे। अच्छा, नोट लिखने के पहले एक चीज हम और यहाँ पे सीख सकते हैं क्या, कि आइए ध्यान दें, जैसे एक चाल थी 90 क्या थी, और दूसरी चाल क्या है? 25। दूसरी चाल क्या है? एक चाल तो क्या है? 90। और दूसरी चाल क्या है? थोड़ा छोटा कर लेंगे, जैसे 5 से काट रहे हैं। अच्छा, ये किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या है? 5 से काट रहे हैं, तो 5 × 18 क्या होगा? 90। और 5 × 5 क्या होगा? 25। तो हम यहाँ अनुपातों का भी सहारा ले सकते हैं क्या, कि भाई किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड में जो अनुपात होता है वो क्या होता है? तो अगर 4/18 है किलोमीटर में, तो मीटर में क्या हो जाएगी? 4/36 है, तो मीटर में क्या हो जाएगी? 18 × 36 5 हो, और 4/54 है, 18 × 54 5 है।